मसूड़ों को हेल्दी रखने में हमारी डाइट अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सोचते हैं कि दांतों को चमकदार बनाने के लिए सिर्फ महंगे महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल करना ही एक तरीका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे दांतों के लिए भी हेल्दी फूड का सेवन ज़रूरी है। दांतों को हेल्दी और कैविटी से बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो दांतों की कोई भी समस्या नहीं होगी, दांत में कैविटीज नहीं लगेंगी, तो बुजुर्ग होने पर भी दांत सही सलामत बचे रहेंगे और कुछ भी बेहद आसानी से खा सकेंगे। नकली दांत लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना, जिससे दांतों की मजबूती बनी रहे। डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने खाने में शामिल करें। ये कैल्शियम से भरपूर होने के साथ हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है, इससे दांत मजबूत रहते हैं। हरी और पत्तेदार सब्जियों को खाने में शामिल करें। ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से भरपूर होती हैं। पत्तेदार सब्जी में पालक, यह आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि दांतों और मसूड़ों के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। नट्स का प्रयोग भी करें। नट्स विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम, हाई फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन बी6 आदि ऐसे तत्व हैं जो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंडे को अपने भोजन में शामिल करें। इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। इसमें विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, मसूड़ों में कोलेजन की कमी को दूर करते हैं। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए फाइबर युक्त आहार को अपनी डाइट में शामिल करें। फाइबर युक्त आहार लार बनाते हैं। इससे मुंह में सही तरह से लार बनने से न सिर्फ पाचन सही रहता है, बल्कि दांतों में कैविटी भी नहीं होती। दांतों और मसूड़ों की एक्सरसाइज करने के लिए कच्ची सब्जियां और फल खाएं, जैसे खीरा, गाजर, सेब आदि। इन सबको चबा चबा कर खाएं। इससे आपको पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे और दांत भी मजबूत होंगे। पानी अधिक पिएं। पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, साथ ही लार में सुधार करता है। कई बार खाना दांतों में फंसा रह जाता है। लंबे समय तक खाना फंसे रहने से मुंह के बैक्टीरिया उसे सड़ाते हैं, जिससे कैविटीज होती हैं। पानी पीने से दांतों में फंसा खाना निकल जाता है और कैविटी होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट होती है, जिससे मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में मदद मिलती है। यह दांतों और मसूड़ों में होने वाली बीमारियों के खतरे को भी कम करती है।